तो गाइज आज मैं करने वाला हूँ बिजली का आविष्कार, मतलब आविष्कार तो कर चुका हूँ लेकिन मैं आज नए तरीके से बिजली बनाने वाला हूँ, क्योंकि अभी तक मैं चरखे से बना रहा हूँ और दो मशीनें उससे चला रहा हूँ मैं। और हाँ, मैंने उसको भी सेट कर दिया भाई। रुको, कोई दुश्मन है यहाँ पर जो शोर मचा रहा है। कौन है भाई, बाहर निकल। ठीक है, ओ कुत्ता है, निकल ले भाई यहाँ से। तो देखो भाई, ये यहाँ क्या कर रहा है भाई, करंट ट्रांसफॉर्मर अभी मैंने लगा रखा है। इसका यूज़ तो होता है भाई, मेरे को याद नहीं आ रहा इसका यूज़ क्या था, मैंने बना तो लिया पर ये नापता है करंट। तो देखो यहाँ पर करना क्या था भाई, कि जो मेरा हैमर है ना, हैमर से इनपुट आउटपुट निकलता है, इसलिए यहाँ से करंट नहीं जा रहा। अब देखो मेरे को यहाँ से निकालना है इनपुट, तो इसका मतलब है इनपुट मतलब कि इसमें करंट जाएगा, और ये पीले वाला है इससे करंट आएगा, बाहर निकलेगा। ठीक है, हथौड़े से करना होता है, हैमर से, तो तब जाके ये करंट मेरा इधर से उधर जा रहा है। अरे रुको यार, देखो ये इधर से उधर जा रहा है। तो आज मैं थोड़ा करंट का ना और तगड़ा जुगाड़ करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को अपना और ज़्यादा हैवी करंट चाहिए। जिस ओ भाई, कौन कंजर है, मुझे पता था यहाँ पर है एक बंदा जिसने मेरा सूट तोड़ा है, अभी मेरे जूते तोड़ दिए यार। इसके लिए पहले मेरे को एक ये बनाना पड़ेगा, जिसके लिए LV टायर चाहिए। शुरुआत में थोड़ा कम काम करेंगे, बाकी फिर बाद में करेंगे। इससे तार बना लेते हैं, और शायद से स्टिक है, और मेरा आयरन थोड़ा सा चाहिए। वैसे मैंने काफ़ी सारा आयरन तो इसमें भी पीस रखा है, काफ़ी सारे काम मैंने कर रखे हैं। और देखो जो कॉन्सिलेशन वाली थी, वो भी प्लेट मैंने बना के रख रखी है, तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी ना इसलिए। तो ये बना लेते बक्से हैं, एक ही वो 8 लगते हैं। अच्छा भाई ठीक है, बाकी 9 स्टील चाहिए मुझे, और ये कॉन्सिलेशन की प्लेट चाहिए होगी, तो हमारे पास आ जाएगी ये चीज़। दो ही बनेगी, अच्छा एक रह गई थी। ठीक है, इसको 3 लगाएंगे भाई, 3 से बहुत तगड़ी बिजली मिलने वाली है। और मैं एक काम और करूँगा कि इसमें ना HV की प्लेट लगाऊँगा मैं, HV का मतलब सामान लगाऊँगा ये वाला। तो HV के लिए मुझे चाहिए था आयरन का ग्रिट, आयरन का ग्रिट बनेगा आयरन से, मेरा आयरन उधर रखा होगा। ठीक है, मुझे क्या करना था इनका, वैसे मैं ले तो लिया। हाँ ग्रिट बनानी है ना, तो ग्रिट तो ऊपर बनेगी और हमारी ऑटोमेटिक मशीन में बनेगी भाई ये वाली। तो यहाँ से मैं डाल देता हूँ कम से कम, बस ज़्यादा नहीं, इतने बहुत है, और मशीन चालू कर लेते हैं। फटाफट से ग्रिड आएगी, काम हमारा हो जाएगा। और जितनी मशीन है ना, सारी मैं ऐसे ही ऑटोमेटिक बनाने की कोशिश करूँगा। और मेरी कोशिश है कि मैं जितना भी ये बना रहा हूँ ना, सब ऐसे बनाऊँ कि एक ही जगह चेस्ट आ जाए और काम मेरा हो जाए। वो करेंगे बाद में, अभी तो फिलहाल जल्दी जल्दी काम करते हैं। मेरे को आयरन ग्रिड चाहिए थे, आयरन ग्रिड आ गई। एक डाई चाहिए थी रेड कलर की, और शीशे चाहिए थे, रेड नहीं ग्रीन कलर की डाई चाहिए। चल भाई कैक्टस आ जाए इधर, और भी कैक्टस है क्या, सारी लेके चला दूंगा यहाँ से, क्योंकि 2-3 की तो मुझे ही ज़रूरत है, बाकी का तो देख लेंगे। ये रेत पे ही होगी कम से कम, 1, 2, 3 और 1, 4, 2 से मैं बना लूँगा वो सामान। इसको पकाना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे शायद से 4 डाई मिलेगी, और मेरे को एक ही डाई की ज़रूरत है उसको 8 बनाने के लिए। तो सबसे पहले बना लेता हूँ अपने HV के वायर को ऊपर, जितने भी बने 12 बन गया, बहुत अच्छी बात है। तो इनको ना मैं वो नहीं कर सकता, बढ़िया वाला लेवल नहीं बना सकता, और ये क्या है, एडिशनल कैपेसिटर। बाकी मैं इससे हाई वोल्टेज कोइल बोल ब्लॉक बना सकता हूँ, और इसका क्या काम आता है, HV ट्रांसफॉर्मर्स बनता है, कवर बनता है, और ये बनेंगे कम से कम जितने भी हो भाई। और बाकी का बना लेते हैं हम ये 4, थोड़े से और बना लेता हूँ क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और एक चीज़ और बनानी थी, वैसे करंट का सारा सामान आ गया, सारा सामान आ गया, पहले करंट का जुगाड़ कर दूँ क्या। तो देखो इसको लगाना ना थोड़ा सा अलग होता है सिस्टम, मैं स्पेस खाली, अरे यार कितना भरा हुआ हूँ मैं, बहुत ज़्यादा भरा हुआ हूँ। तो पूरा पीछे का एरिया बिजली का करने वाला हूँ ऐसे। देखो क्या रहता है इसमें, एक तरफ इसमें चाहिए होता है पानी, और एक तरफ चाहिए होता है लावा। तो मैं इसको यहाँ रखूँगा, यहाँ पानी आ जाएगा, यहाँ लावा आ जाएगा, फिर एक और रखूँगा, यहाँ पानी आ जाएगा, बीच में लावा लावा रखूँगा, साइड साइड में पानी, समझ रहे हो। इस तरीके से सारा का सारा सेटअप होने वाला है। मैं चाहूँ तो इसके यहाँ पर भी ऐसे लगा सकता हूँ, ये ऐसे लाइन से, यहाँ पानी पानी आ जाएगा, यहाँ लावा लावा आ जाएगा। तो ऐसे मुझे लाइन से काफ़ी सारे लगाने पड़ेंगे, तब जाके मेरा एक काम चालू हो जाएगा। तो पहले पानी का जुगाड़ कर लिया जाए, पानी का तो इजी है, लावा का थोड़ा सा मुश्किल है, दूर से लाना पड़ेगा, पर कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पानी आ जाएगा, यहाँ भी भर देता हूँ पानी, ये अनलिमिटेड तो नहीं हुआ ना, नहीं हुआ, थोड़ा सा और आगे बढ़ा दो ताकि अनलिमिटेड हो जाए। ये लो बीच में आ जाएगा लावा, और फिर देखना भाई बिजली कितनी खतरनाक निकलेगी। तो मेरा उड़ने वाला वो चाहिए, सामने जाना पड़ेगा थोड़ा सा, बस युद्ध है, युद्ध करेंगे नहीं। तो भाई कितने सारे, हटो 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 भाई। ठीक है भाई, लावा भी ले आया 2 बकेट। चलो चेक करते हैं कि हमारा HV वायर कनेक्टर काम कर रहा है कि नहीं। तो ये रखने, ये करंट मार रहा है भी नहीं, ये भाई झटका मारते एक बार में मार देगा मुझे वैसे देखा जाए तो। इस तरीके से लावा भरना है,
और अभी इसमें तार में करंट नहीं आया होगा, क्योंकि मेरे को एक एचवी का वो बनाना पड़ेगा, एक स्टोरेज भी साथ में। चलो भाई ये ले, और हमारा रेडस्टोन नहीं बनाया मैंने अभी तक, पर देखेंगे भाई हम कर पाए तो इस जुगाड़ को। और मैं सोच रहा हूँ वो ये कौन भूत है भाई, तू कौन है भाई? मैग्मा मॉन्स्टर यहाँ पर क्या कर रहा है? ओ ये यहाँ से निकल रहा है। अच्छा ये मैग्मा रहता है ना, लावा रहता है तो वहां से निकल रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं। चल भाई एचवी कैपेसिटर ये ले, ये आ गया हमारा एचवी का कैपेसिटर, और एचवी का कैपेसिटर ही करेगा सारा काम, हमें अब उसकी जरूरत नहीं है एमवी कैपेसिटर की, उसको मैं कहीं और लगा दूंगा। चलो भाई, अरे थोड़ा सा ऊपर चढ़ने दोगे भाई, मेरे को ये चाहिए, मेरा सामान जितना भी गिरा हो सब दे दो। अभी करंट देखना भाई इसमें कितना हाई वोल्टेज निकलता है, तो सबसे पहले इसका लगा लेते हैं इनपुट, और ये सब बंद करो इधर से, जहाँ जहाँ से इनपुट आउटपुट है, ये हमारा इनपुट हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा एक ये चीज़। अब देखना भाई करंट, डर जाओगे देख के करंट, मेरे हाई वोल्टेज कहाँ गई? ये रे भाई, सबसे पहले तो ये लगाता हूँ, और ये चीज़ देखो करंट दिखाता हूँ, ये देखो, देखा भाई? लेकिन मेरे को फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि मेरे पास प्रोटेक्शन है। तो खम्बा फिर मैं यहाँ लगा लेता हूँ, ठीक है, यहाँ खम्बा हो जाएगा, और मैं इसको यूज़ करूँगा ना, तो इस ये क्या कर दिया मैंने, ये क्या है भाई, एक ग्लिच है क्या कुछ? ओ भाई ये क्या ग्लिच है, देखना भाई ये ऐसे तो होता नहीं है, ये असल में इसका वो निकल रहा है पोस्ट, लेकिन ये निकल नहीं पा रहा है ठीक से, तो हम इसको लगा देंगे भाई सबसे पहले यहाँ पे, लेकिन ये अभी भी खम्बा ना दिक्कत कर रहा है भाई, तो हम इस पे यही लगा देंगे भाई नीचे की तरफ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हाँ देखो हो गया ठीक, तो इस तरीके से बनाना था मुझे, और ये हमारा बन चुका है। तो तार लगाने मुझे अब सारे के सारे तार मैं इसी में अटैच कर दूंगा, लेकिन थोड़ा रुक के भाई पहले मैं बैटरी का जुगाड़ कर लूँ, इससे सिंगल बैटरी कहाँ लूँ, या नीचे कर दूँगा जुगाड़, यहाँ नीचे इतना ऊपर ठीक रहेगा, चलो यहाँ कर देते हैं। देखो ऐसे मैं साइड में बैटरी लगा दूँगा, ये अच्छा लगेगा, एमवी का बाद में करेंगे क्योंकि एमवी की ज़रूरत नहीं है हमें, तो यहाँ पे लगा देना है मेरे को इनपुट, और तार चाहिए मुझे अपनी ये वाली, मतलब कि ये वाले कनेक्शन वाले, तो ये लग जाएगा और ये तार आ जाएगा वैसे करके, ठीक है। अब इसके अंदर करंट आ चुका है जो कि जा नहीं रहा है, जा भाई यहाँ से, असल में होने वाला क्या है, ओ समझ गया क्यों नहीं जा रहा था, अब जाएगा, ये यहाँ पे लावा नहीं है ना, देखो अब जा रहा है, तो इस वाले से जा रहा है, ठीक है भाई काम हो गया, वो लावा वाला आदमी, और रुक जाओ भाई, नहीं मारना नहीं, अरे भाई क्या है, ओ ये पानी में जिंदा नहीं रहते, ठीक है यार, लेकिन पानी से बाहर आते ही पगला जाते हैं, मैं जा रहा हूँ भाई, अरे हाथ में ले भाई तलवार ले रखी है, हाँ मर जा भाई मर जा, ऊपर से पानी में गिरियो, तो इनका लावा ख़त्म हो जाता है इसमें गिरते ही, कोबल स्टोन दे देते हैं फिर, ठीक है भाई लावा डाल देते हैं। अब देखो अब इसमें बिजली स्पीड में जाएगी, और एक तार और लगा दूंगा तो और ज़्यादा स्पीड से जाएगी भाई, तो यहाँ से एक तार और तो इसकी भी और स्पीड, अब देखो कितनी तेज जम तेज चल रहा है, तो इसका भी करंट मैं इसमें भेज दूंगा, और ज्यादा स्पीड बढ़ जाएगी, अभी देखना भाई। ओह दिक्कत, सारा सामान कलेक्ट कर, ओह करंट देखा था क्या बुरा लगा था भाई, क्या झटके से फेंका उसने, ये भाई बहुत तगड़ा करंट है, इसको कम मत समझना, जा यहाँ से, जा भाई करंट लग जाएगा तेरे को, मेरे को खुद लग रहा है, ऐसे ही मुझे यहाँ पर बैटरी लगानी है और इनमें करंट लेना है, मर भाई तू मर, ठीक है तो ये बन गया हमारा, तो ये एचवी से एमवी करंट बनाएगा, और इसकी जगह जरूरत पड़ेगी हमें यहीं पे आसपास ही कहीं, इस कोने से उधर करंट जाना थोड़ा सा इजी हो जाएगा, शायद से मैं यहाँ लगा सकता हूँ, ठीक है ये वाली पोजिशन अच्छी है, तो देखो यहाँ से करंट चला जाएगा उसके अंदर, यू कैन नॉट कनेक्ट दिस, अरे क्यों करंट नहीं लगवाना, तो ये वाला जो पॉइंट नहीं वो वाला जो पॉइंट है ना इसको कनेक्ट कर देते हैं इससे, तो ये हमारा एच वी का कनेक्टर, और उससे मीडियम करंट बनवाना पड़ेगा, बना तो पड़ा है, अब ये क्या करेगा ये एच वी से एम वी बना देगा, अरे मैं दूसरे तार यूज़ कर रहा हूँ यार, मैं भी क्या कर रहा हूँ, मेरे को यहाँ पे मीडियम वोल्टेज तार यूज़ करने थे, पता नहीं क्या सोच के मैं ये करता हूँ, ठीक है ये वाला तार आ जाएगा ऊपर, ये लो करंट आ गया, एच वी से एम वी कन्वर्ट हो गया जाएगा, और ये वाला खंबा हमारा अकेला पड़ गया, कोई नहीं कभी निकाल देंगे इसको फ्यूचर पे। तो ये आगे की इसमें प्लानिंग क्या है कि मेरे को ये सेम ऐसे ही यहाँ से लाइन से लगाने, और ये वाला बिजली का जुगाड़ मेरे को ये ऐसे आगे बढ़ाना है, सारा का सारा करंट जाएगा इसमें, और इससे जाएगा सारा का सारा उसमें दूसरी जगह, यहाँ से मैं कितने भी तार कनेक्ट कर सकता हूँ, इसलिए फ़ायदा होता है इस ग्रीन वाले का। मेरे तो दिमाग में एक और आइडिया आ रहा था कि जो हमारा एमवी वाला है ना उसको भी यूज़ कर लेते हैं, हमारी वो है बैटरी है, बैटरी को यूज़ करा जाएगा, कहाँ है बैटरी हमारी, ये रही बैटरी, एक दिमाग में मेरे एक आइडिया आ रहा है भाई बहुत तगड़ा वाला, दिखाता हूँ मैं, ये जो स्पेस खुला हुआ ना भाई हम स्पेस को ठीक कर दे क्या,
हमें बस यहाँ पर ऐसे बैटरी लगानी पड़ेगी और ये ठीक हो जाएगा भाई। बस एक यहाँ पर मेरे को, अरे हाँ, मीडियम एमवी के चाहिए होंगे काफ़ी सारे। तो पहले इसको बना दो आउटपुट और यहाँ पर लगाते हैं ये चीज़ और यहाँ से आ जाएगा करंट इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर बैटरी है काफ़ी सारी तो जा रही है, खर्च हो रही है। इधर भी अब स्टोरेज होएगी भाई मीडियम वोल्टेज और उधर भी वैसे होएगी और मेरा वो गड्ढा भी भर गया। तो एक चीज़ से दो दो चीज़ें हो गई है यहाँ पर, भगना यहाँ से। तो अब मुझे करना पड़ेगा, मेरा कटर कहाँ है, तार काटते ही वाला, और यहीं पे मेरे को एक इनपुट बनाना पड़ेगा और हमारी मीडियम वोल्टेज की तायर नहीं होती भाई, वायर होती है। ठीक है, उसमें जा रही है बिजली भाई, स्पीड से जा रही है। देखो 1 मिलियन कितनी जल्दी होने वाली है। तुम्हारा बिजली का काम हो गया भाई, हमने हैवी जुगाड़ कर दिया बिजली का, बहुत ज़्यादा हैवी है। तो ऐसे मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ, तीन और 6 लगाने वाला हूँ टोटल, और फिर मैं वायर लगा दूंगा। तो इसमें एक चीज़ मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, हाँ अरे गार्डन के, तो मैं गार्डनिंग का भी काम शुरू कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। ये बना लूँ क्या, एक एमवी का चाहिए होगा, बाकी चाहिए मेरे को अपने तार। चलो देखते हैं ये काम करेगा कैसे, क्योंकि मेरे को ज़्यादा ध्यान नहीं है कि काम कैसे करता है। तो इसको मैं कहाँ लगाऊँ, इसको इस तरफ लगा देखें, नीचे की तरफ। लेकिन ये वाली जगह यहाँ तो आएगी बड़ी वाली मशीन, तो हम ऊपर देख लेते हैं, ऊपर का अगर स्पेस हो जाए तो यहाँ से भी निकलेगी, इधर भी एक मशीन आ जाएगी। यार हर जगह मशीन आएगी क्या, यहाँ लगा के देखते हैं। ठीक है, देखो ये वाली चीज़ है करंट का, इसमें जुगाड़ कहाँ से है, दोनों तरफ से करंट का है, शायद से ऊपर से करंट का है, ऊपर से करंट का है। ठीक है, लगा सकते हैं हम, कोई जुगाड़ कुछ नहीं है मतलब कि। और एक वायर आएगी वहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, इसके अंदर बिजली आनी शुरू हो गई है और ये काम क्या करती है अभी दिखाता हूँ भाई। इसमें दो चीज़ें डालनी पड़ेगी मुझे, एक तो वो डालना पड़ेगा मिट्टी और इसमें बीज डालना पड़ेगा। अगर ये काम कर जाए तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं हेम्प सीड यहाँ पर उगाने वाला हूँ, क्योंकि हेम्प की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती रहती है। और डर्ट का मुझे पता नहीं है कि इसमें डर्ट ही डालनी है या कुछ और डालना, पानी भी डालना पड़ सकता है शायद इसमें। तो डाल दी डर्ट दिख रही है, अरे दिख रही है। और डाल देते बीज, तो बीज डल गया इसमें। और ये उगेगा कब, उग भाई, वो शायद से पानी भी आएगा इसमें। ओहो ठीक है, इस मशीन में हम बाद में ऑटोमेटिक जुगाड़ कर सकते हैं कि इसमें ऑटोमेटिक पानी आता रहे पाइप के थ्रू और इसके अंदर सारा काम होता रहे। क्या डालना पड़ेगा इसमें, फर्टिलाइज अमाउंट बता रहा है, नहीं आ रहा भाई, अलग ही दिक्कत है, पानी नहीं आ रहा भाई उसके अंदर। मैं पानी कैसे रखूँगा, ऊपर रख दूँ क्या इसके, इसको समझना ना थोड़ा सा मुश्किल तो होता है। अच्छा ये वाला नहीं, तो पानी का हमारा यही वाला जुगाड़ है। इसका मैं यहाँ से पाइप लेके जाता हूँ बाहर की साइड, ठीक है, देखा जाएगा बाद में। यहाँ से पाइप लेके जाएंगे और इसमें पानी भरेंगे ढंग से। ओ पीछे तो अलग है और आगे से अलग है, इसका मतलब तो पाइप से यहाँ से भी ले सकता है पानी। अगर मैं इसमें अभी भी भर दूँ पानी, देखते एक बार कोशिश, जा रहा है नहीं, तो मुझे समझ गया क्या दिक्कत है। यहाँ पर एक पंप लगेगा, पंप मैं लेके जाऊँगा इधर से। ठीक है, ये बैरल बनाना पड़ेगा, चेक कर लेते हैं अगर ये इसी से काम बन जाए भाई। काम तो कुछ हो नहीं रहा है लेकिन काम करवाना पड़ेगा। चलो ये लास्ट कोशिश है हमारी कि ये काम करेगा कि नहीं। तो ये बैरल है असल में, बैरल पता है क्या, इसमें पानी स्टोर करना पड़ेगा मुझे बकेट से। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा तो चला ही दे इसे। तो आगे पानी, पानी आगे भाई, तो ये ग्रो होना शुरू हो गई हमारी फसल। ये थोड़ा सा उसी हिसाब से टाइम लेगी, लेकिन अगर इसमें मैं बोन मील डाल दूँ तो बढ़िया काम करेगा ये। तो चेस्ट ना देखो इसमें नीचे नहीं लगता, नीचे पता नहीं इसमें क्या लगता है, ऊपर लगता है चेस्ट इसमें, दिक्कत इसकी यही होती है। तो बोन मील आ गया, इसके अंदर भर देना बोन मील। अब देखना कितनी स्पीड से काम करेगा ये, कर भाई। अरे इसमें करंट चला गया, अरे हाँ यार टूट गया था ना वो, और तू जा वहाँ पर, अब देखते उगेगी, उग रही है, देखा कितनी जल्दी उगी थी, ये देखो उगी। पानी कितना चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है भाई लगातार ज़्यादा। तो पानी का मुझे करना पड़ेगा, जो कि भाई मैं अगली बार करने वाला हूँ। देखो उगी, इसके अंदर आ गया सामान, तो इस तरीके से काम करने वाला है। ओके, ये मेरे चेहरे को क्या हो गया भाई, पहले भी ऐसे ही था क्या, मेरा ध्यान ही नहीं गया। ठीक है भाई, मैंने अपनी ना तैयारी कर ली काफ़ी ज़्यादा, एक बार मैं सो लेता हूँ, फिर मैं एक मशीन बनाने वाला हूँ जो कि भाई निकाल के देगी मेरे को पानी। पहले सोना पड़ेगा भाई, अरे मॉन्स्टर है यार पास में, कौन कंजर है, तेरे को आने के लिए किसने कहा था यहाँ पर, अरे और मॉन्स्टर है भाई, तुम सब मरोगे, वो बहुत कर रहा था ना। तो अभी मैं बनाने वाला हूँ एक ऑयल प्रोसेसिंग की मशीन। अगर मैं पीछे जाऊँ तो यहाँ पर ऑयल प्रोसेसिंग है, यहाँ पर एक पंप जैक, ये पंप जैक शायद से निकाल सकता है, इसका पहले ये निकाल लेता हूँ प्रिंट, तो ये पानी निकाल सकता है भाई मुझे ऐसा लगता है। तो पंप जैक को यहाँ पर बनाते हैं, ये जगह ठीक रहेगी। सामान सारा का सारा तैयार है,
मैं पहले से ही सारा सामान बना के रख रखा है जो जो चीज़ों की मेरे को ज़रूरत है, क्योंकि इसमें टाइम लगता है भाई। बाकी जो हमारी आयरन शीट मेटल है वो आएगी कुछ इस तरीके से, और एक एक करके यहाँ पर आएगी दोनों तरफ ये चीज़। ठीक है, ये हमारा पंप बनने वाला है जो कि पंप करेगा पानी। तो इसको बनाएंगे कहाँ से, मार के बन जा भाई प्लीज, कहीं ना कहीं से तो मार के तो बन ही जाएगा, ये पीछे से होगा शायद यहीं पे कुछ जुगाड़। बन जा, ओ बन गया, यहाँ बीच में मारना पड़ता है। ठीक है, ये हमारा पंप जो पानी निकालेगा भाई, ये टेम्परेरी बना रहा हूँ भाई मैं, थोड़े टाइम बाद मैं कर दूंगा इसको ठीक। ठीक है, और एक तार आ जाएगी हमारी सीधा का सीधा इस वाले पे। ठीक है, करंट आ गया इसमें, ये चल, ओ भाई क्या करंट मारा, मशीन हमारी चल चुकी है, अब करंट भी स्टोर कर रहा है और मेरी यहाँ पर भी खींच रही है। तो तेल निकालती है, लेकिन ये तेल नहीं निकाल रही, अभी पानी निकाल रही होगी 100%, क्योंकि पानी ही है भाई यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा ये काम हो गया, अब थोड़ा पाइप्स का जुगाड़ कर लिया जाए। मैं सोच रहा हूँ ना इसको स्टोर करता हूँ पहले, तो पाइप पानी को स्टोर करते हैं। तो पानी स्टोर करने के लिए मेरे को एक टैंक बनाना पड़ेगा, जिसके लिए मेरे को मेरी किताब चाहिए होगी, और एक टैंक मिलेगा शायद से मुझे कंस्ट्रक्शन में, तो यहाँ पर टैंक मिलेगा ये वाला। मैं साइलो वगैरह भी बना सकता हूँ भाई, बहुत सारी चीज़ें हैं सामान इकट्ठा करने के लिए। तो टैंक लगा लेते हैं यहाँ पर बिल्कुल इसी के साइड में, ए यहाँ यहाँ पर, यहीं पानी आसपास ही इकट्ठा होता रहेगा, इसमें काम होता रहेगा। ठीक है, तो अंदर से ही ना बंद कर दूँ, तो ये आ जाएगा यहाँ पर ब्लॉक, और एक आ जाएगा यहाँ पे, और ये लो टैंक हमारा बन के तैयार। तो ये है टैंक जो कि पानी इकट्ठा करेगा, और बस इसमें मुझे पाइप जोड़ने हैं आमने सामने इस तरीके से। ठीक है, इसके अंदर पानी आना शुरू हो जाएगा, आ रहा है क्या, दिख तो रहा है मुझे हल्का सा शायद से, हाथ में मैं अगर बकेट लूँ ना तो दिखता है पानी। हाँ, वो तेल इकट्ठा कर रहा है, यार तेल है क्या नीचे, चलो भाई ये तो तेल इकट्ठा कर रहा है यार, तेल की अभी ज़रूरत नहीं थी मुझे, तो इसका मतलब मेरे आइलैंड पे तेल है, लेकिन मुझे चाहिए था पानी। वैसे तो सही बताऊँ मेरे को तेल की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अभी कोई चारा भी नहीं है यार, चारा क्या, मेरे को तेल अभी इकट्ठा करना भी नहीं था, तो यहाँ पे लगा के देखते कि क्या इकट्ठा करके देगा, शायद इसमें तार लगेगी बिजली की। ओहो यार, इतने से पानी में उसने देखो कितनी सारी चीज़ें निकाल दी, 64। ओ भाई ये तो बड़ा तगड़े लेवल पे काम कर रहा है यार। तो इसमें पानी भरते रहना है, और पानी इसमें जब आ जाएगा तो अपने आप ही उगनी शुरू हो जाएगी, देखो उग रही है। बाकी हमारा काम आज का हो गया है भाई, हमारे पास ये चीज़ें आ गई, और ये जो आग फेंकने वाले कंजर है ना भाई, ये मरेंगे। ये क्या दिक्कत है भाई, क्यों आ रहे हो तुम, लगा तो दिया मैंने जुगाड़ तुम्हारा, लेकिन भाई तुम तो आए जा रहे हो, क्या दिक्कत है यार, मत आओ प्लीज। ठीक है भाई, फिर भी मैं देखूंगा यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर वायर वगैरह लगा जाए, इस एरिया को बंद कर दूँ, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और देखो फिर से कोई आया। ठीक है, वीडियो को यहीं पर ही खत्म करते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आज के लिए बस इतना ही, मिलते नहीं गेम के एपिसोड में।